हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले भी हमने ये जिक्र किया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बट नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट इट इन वेरी डिटेल। देखो, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में है क्या? इट इज़ एन इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम शेल ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम शेल बट स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी। क्या बोलना चाह रही है ये डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास किसी एक ही शेल, जैसे के शेल है, किसी एक ही शेल, आप इसको शेल बोलते हैं, शेल, और इसका दूसरा नाम है ऑर्बिट। ठीक है, ये हमने सेकंड चैप्टर में किया है। जैसे एल शेल, तो कह रहे हैं किसी एक ही शेल के जो अटोमिक ऑर्बिटल हैं, बेटा इन शेल्स के अंदर कौन कौन से अटोमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं, एस पी डी और एफ, ये चार अटोमिक ऑर्बिटल किसी एक ही शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इनकी इंटरमिक्सिंग से जो रिजल्ट हमें मिलता है, जैसे सपोज एस और पी आपस में मिक्स कर गए, यानी कि इनकी शेप ऐसी है। अब ये पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ही एक्सिस के साथ एडजस्ट करेगा या मिक्स करेगा। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एस पी। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, लेकिन जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। देखो, एक और दो, दो जुड़े हैं तो एक और दो हो गए। अगर इसके अंदर एक और ऑर्बिटल में इंक्रीज कर दूं तो दो तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ऐसे करके अगर इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, अगर एस पी डी की इंटरमिक्सिंग होती है तो एस पी थ्री डी, इस प्रकार से कुछ अलग अलग हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तो इस इंटरमिक्सिंग को ही हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इससे पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने सीखे थे तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हमने ये सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दो है तो कितनी होगी, तीन है तो कितनी, चार है तो कितनी, ऐसे करते करते हमने सात इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन सीखी। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज एक्चुअली द इंटरमिक्सिंग ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस इंटरमिक्सिंग को सबसे पहले हम कैलकुलेट कैसे करना सीखें, तो आइए हम सीखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे की जाती है। एक तरीका आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, एक और तरीका आज हम सीखते हैं, चलिए उसको देखते हैं कि हम इंटरमिक्सिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करें। सपोज मैं एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, मेरे पास है PCl5, ठीक है, और मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी, ठीक है, रिमेंबर दैट। एक तरीका है कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन पेयर से निकालूं, देखिए दोनों तरीके मैं आपको करवाती हूँ। एक तरीका है कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालूं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू में दी वैलेंस, सेंट्रल एटम जो है सिंगल है, हाफ इंटू में द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस के वैलेंस कितने होंगे, 5, एंड प्लस हाउ मैनी बॉन्डेड एटम, 5, तो इसके पास हमारे पास कितना आ गया, 2, 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, एस पी थ्री डी, देखिए 3, 4, 5 एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन, रिमेंबर दैट। एक तरीका हमने ये किया था, एक और तरीका हम देखते हैं पी सी एल फाइव, इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम एक हो दो हो तो भी चलेगा, कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में अगर दो सेंट्रल एटम बन रहे हैं तो भी हम इस तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने हैं, हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस वाले और इनके भी, कितने हैं ये, 5 है ना, तो बेटा सबसे पहले हम फॉस्फोरस के निकालेंगे, 5। अब हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस में होते हैं 7, 7 + 7 × 5, 7 × 5 = 35, टोटल कितने हो गए ये, टोटल हो गए 40। अब ध्यान देने वाली बात है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ज्यादा होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इफ मोर देन 8 देन यू डिवाइड दीज बाई 8, तब आप इनको 8 से डिवाइड करेंगे, 40 / 8, मैंने डिवाइड कर दिया, 8 5 = 40, 5 आ गया,
हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3d। ठीक है, यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं 8 से ज्यादा हैं तो डिवाइड होंगे 8 से, और अगर 8 से कम हैं तो डिवाइड होंगे 2 से। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 40 को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 8 × 5 = 40 करके देख लो। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हमें? 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3d। देखिए, क्या इस तरीके से भी हमने यही निकाली थी और क्या इस तरीके से भी हमने यही निकाली है? बेटा दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, दोनों ही तरीकों से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप कीजिए, जो आपको आसान लग रही है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर दो सेंट्रल एटम है उनके लिए ये वाला तरीका हमारा बहुत अच्छा है। जिसके अंदर एक ही सेंट्रल एटम है उसके लिए ये तरीका हम इसको सही मानते हैं। बाकी हमारी खुद की पसंद है कि हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें। चलिए बेटा, ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास जिनको हम जो आज तरीका हम सीख रहे हैं उसी के तरीके से करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास i3-। यहाँ पर हमारे लिए कंडीशन नहीं है कि हमें शेप ही आनी चाहिए। शेप अगर नहीं भी हमें मालूम चल पाती है कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए i3-, बेटा इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आई है, आई यानी आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात रही चार्ज की, ध्यान दीजिएगा, अगर नेगेटिव है तो आपको एक जोड़ना है, ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो एक घटाना पड़ेगा। कोई भी जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस में से एक जोड़ दीजिए या उसके वैलेंस में से एक घटा दीजिए। आपके पास i3 है यानी कि 7 है, एक आयोडीन में 7 है तो 3 आयोडीन में कितने हो गए? 21 और एक हमने क्या कहा माइनस है तो प्लस कर दीजिए। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए कितने बेटा? 22। अब 22 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 है तो 8 से डिवाइड किया। अब 8 अपने टेबल में 22 तक नहीं जा रहा है तो 8 × 2 = 16 के बाद हमारे पास कितने बचे? 6 बचे। बेटा फिर मैंने दोबारा बात कही थी कि अगर 8 से कम है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं और वो 8 से कम है तो उनको हम डिवाइड करेंगे 2 से। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 3 = 6 और ये पूरे कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों जो हमारे पास ये जो आंसर आए हैं इन दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस। तो कितना आ गया हमारे पास? 5। प्लस करते ही 5 आ गया और हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या रहेगी? sp3d। तो i3-, के लिए हमने इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाली। अब निकालते हैं HNO3 के लिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन के 5 हैं और ऑक्सीजन में वैलेंस में 6 होते हैं तो 6 × 3 = 18। ठीक है, प्लस करेंगे 5, 1, 6 और 18 कितने हो गए? 18 और 19, 20, 24 हो गए। ठीक है, 24 हो गए। अब इस 24 को जो कि 8 से ज्यादा है, 24 को क्या करेंगे हम? 24 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 24 × 3 = 8 × 3 = 24 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। ठीक है, अब नीचे आते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? कार्बन 2 है, एक कार्बन के पास 4 होते हैं तो 2 के पास कितने हो गए? 8। हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन के पास 4 होते हैं तो 4 हो गए कितने? अब इसको क्या करेंगे हम? कितने हो गए? 12 हो गए। 8 से ज्यादा है, 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ऐसे डिवाइड कर देते हैं 12, 8 से डिवाइड किया। अब 8 के टेबल में 12 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो 8 × 1 = 8। अच्छा, फिर कितना बच गया? 4 बच गया। ये 8 से कम है तो किससे डिवाइड कर दें? 2 से। 2 × 2 = 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, कैंसिल हो गए। इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। कितना आंसर आ जाएगा? 3। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp2। ठीक है, बिल्कुल आराम से प्यार से करते चलना है, कहीं पर कोई गड़बड़ ही नहीं है। SO3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 प्लस ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं, आप कितने हो गए? 12। 12 और टोटल कितने हो गए? 18।
तो 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 18 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 टू जा 16 कितने बच गए 2, 2 वन जा 2, दोनों को ऐड कीजिए कितने आ गया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp2, राइट। यहां आते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, कार्बन के पास कितने हैं 4 4 हैं तो कितने हो गए 8, 8 प्लस 2 10, 10 हो गए, 10 को किससे डिवाइड करें 8 से, 8 वन जा 8, ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके देखते हैं इसको, 10 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 वन जा 8, 2 बच गया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 वन जा 2, तो टोटल कितने आ गया 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp, ठीक है। यहां आते, यहां फिर से नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या है नेगेटिव चार्ज, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान देंगे आप, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर 2 नेगेटिव है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं 4, ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 18, और मैंने कहा था कि अगर चार्ज जो है वो माइनस में है तो जितना है उसको ऐड कर दीजिए, अब हमारे पास कितना हो गया 18 और 2 20 24 24 को मैं किससे डिवाइड करूंगी 8 से, 8 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिल रहा है 3 जा 24, तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp2। इधर आते हैं, अमोनियम आयन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 4 हाइड्रोजन के पास, लेकिन एक प्लस है, देखिए इधर 5 प्लस में 4, अच्छा जो आंसर आएगा उसमें से क्या 1 माइनस, क्योंकि एक घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास कितने आ गए 8, मैंने कहा था 8 या 8 तक आते हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, अब इसको हम क्या डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 4 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3, ठीक है। if7 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 इसमें है और 7 साथ ही फ्लोरीन में होते हैं, तो 7 प्लस 49, क्योंकि 7 × 7 49 होते हैं, अब 7 और 49 कितने हो गए 56 हो गए, 56 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 56 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 7 जा 56, 7 आया, 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3d3, बोलो समझ में आया, अगर नहीं आ रहा है तो बार बार रिपीट करके ये वीडियो देखिए और ये कोशिश कीजिए कि कैसे किए हैं मैंने, सिर्फ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और अगर 8 से नीचे या 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 8 से अगर ज्यादा है तो आप 8 से डिवाइड करके जितना भी आपके पास आंसर आता है आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में लेते चले। सपोज अगर आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार में कट नहीं होते, जितनी बार में वो डिवाइड होंगे उनका जो आंसर होगा आप उसको जोड़ते चलिए, जोड़ने के बाद आपको जो मिलेगा वो भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, राइट। चलिए अब ओवरलैपिंग और इंटरमिक्सिंग को समझते हैं। अभी तक तो बेटा हमने कैलकुलेट करना सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब हमें अब ये देखना है कि कितने प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। वर्बली हमने इसको 7 प्रकार की पढ़ा था कि sp sp2 sp3 sp3d2 sp3d3, ठीक है, लेकिन ये इंटरमिक्सिंग करते कैसे हैं, तो बेसिकली हम पहले 3 को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, sp sp2 और sp3, उसमें से पहली टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें सेम शेल के 1s ऑर्बिटल होना चाहिए, एक और s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, एक s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल, मतलब px py pz में से कोई एक ऑफ सेम, इनकी जो शेल है वो क्या रहनी चाहिए सेम। मैं आपको बताती हूं ये सेम शेल का मतलब क्या है, सेम शेल का मतलब है कि अगर ये 2s है तो ये 2p ही होना चाहिए, 3p 4p ऐसे नहीं हो सकता, 2 यानी कि ये अगर सेकेंड शेल से बिलोंग कर रहा है तो ये भी सेकेंड शेल का ही होना चाहिए,
ये नहीं कि सेकंड शेल का थर्ड शेल में चला जाए। एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का आपको तरीका भी पता है, कैसे है तरीका, आपने अभी अभी पीछे सीखा कि हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलिए एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। बेरिलियम है, बेरिलियम के पास जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बेरिलियम की वैलेंस शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सात, तो कितने हो गए ये 14, 14 प्लस 2 कितने हो गए 16। अब 16 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 16, 8 टू जा 16। अब 2 आया है तो 2 के लिए आपने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, sp हाइब्रिडाइजेशन देखी थी। आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपको ये देखना है कि बेरिलियम, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अब हमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग चेक करनी है कि s की p में ही ओवरलैपिंग हो और बॉन्ड बने, बॉन्ड बने यानी कि ये इस s का ये इस p का, एम्प्टी बॉन्डिंग चेक करनी है। एम्प्टी बॉन्डिंग कैसे देखेंगे आप, कि इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, खाली है। ठीक है, तो इसके p ऑर्बिटल के लिए देखते हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट। आप यहां पर ग्राउंड स्टेट में ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल बनाकर देख सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने का ये तरीका है, ये है आपका s ऑर्बिटल, ये है आपका p ऑर्बिटल, इसके s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब इसकी ग्राउंड स्टेट की बात कर रही हूं मैं, p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन इसको पेयरिंग करनी है, एक पेयर s के साथ बनाना है, एक पेयर p के साथ। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है कि पहले आप पेयरिंग करवाइए, पेयरिंग नहीं करवा रहे हो तो आप बॉन्ड बनाने के लिए जगह ढूंढिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइटेड स्टेट में भेज रही हूं, यानी कि जंप करके मैंने इसको p ऑर्बिटल में डाल दिया। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होती है जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए अपने से हायर ऑर्बिटल में। इन दोनों की एनर्जी कुछ कुछ हद तक सिमिलर ही है, ये 2s है और ये 2p है, ध्यान दीजिएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्लोरीन का आ जाएगा क्योंकि नीड है, और एक यहां पर जुड़ जाएगा क्योंकि इसको भी नीड है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक क्लोरीन और एक इस क्लोरीन का है, यहां पर आकर क्या करने लगेंगे, बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से इनकी बॉन्डिंग जो है वो शेयरिंग के जरिए हो रही है, और शेयरिंग के जरिए ये कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। शेयरिंग के जरिए यहां पर बॉन्ड कंप्लीट हो गया तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, BeCl2। तो BeCl2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनेगा, लीनियरली 180 डिग्री एंगल के साथ लीनियर। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, 1s और 1p, यानी कि दोनों ने क्या बनाया, sp, एक s एक p, sp। एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर मिक्स अपर मिक्स जो है इंटरमिक्स यही हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जितनी पॉसिबिलिटीज हमें मिलती हैं वही हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करती हैं, और हाइब्रिडाइजेशन हमारे लिए शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसके, चलिए बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और देखते हैं, जहां पर एक s और दो p ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी शेल के ही इंटरमिक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल BF3, हमारे पास यहां पर सेंट्रल एटम है बोरोन। सबसे पहले हम इसके क्या निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरोन हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, 3। फ्लोरीन के पास कितने हैं, फ्लोरीन के पास वैलेंस में 7 है, और 7th और इनटू में 3, 21। तो टोटल कितने हो गए, 24। 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूं तो कितना आ रहा है, 3। तो मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन इसके अकॉर्डिंग आएगी वो कौन सी आएगी, sp2। तो बेटा इस तरीके से पहले तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए,
नाउ सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन। मैं इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख रही हूँ 2s2 2p1। ठीक है बेटा, इसकी ग्राउंड स्टेट में मैं कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूँ जो कि 2s और 2p ऑर्बिटल की होगी। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसको तीन एटम्स के लिए जगह बनानी है, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग है वो तीन फ्लोरीन एटम के लिए है। तो तीन ऐसी जगह इसको बनानी है जहां पर ये शेयरिंग कर सके। तो एक्साइटेड स्टेट में 2s जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहां पर भेज देगा? एम्प्टी p ऑर्बिटल में। कहां भेज दिया? एम्प्टी p ऑर्बिटल में। ये वाला जो है वो एम्प्टी रह गया। यहां पर एक फ्लोरीन एटम आकर जुड़ेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा। यहां पर एक और यहां पर एक, तीनों फ्लोरीन एटम आकर इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ शेयरिंग करते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट रहेगी एक एस की और दो पी की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर इंटरमिक्सिंग के जरिए मिलेगी। हमारे पास इस फ्लोरीन के लिए, बोरो ट्राई फ्लोराइड के लिए जो स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा आएगा। इसको बोलेंगे ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर विद 120 डिग्री एंगल, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, इस तरीके से ये sp2 जो है हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो BF3 जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। सपोज अगर इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है, बेटा ये सारे कैसे बॉन्ड हैं? दीज आर सिग्मा बॉन्ड। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो खुद के साथ पेयरिंग करता है, यानी कि एंड टू एंड साइड बाई साइड ओवरलैपिंग के जरिए। तो वहां पर वो पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। चलिए बेटा इसी हाइब्रिडाइजेशन में एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज C2H4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अभी पीछे भी मैंने इस एग्जांपल को करवाया था, लेकिन फिर से करते हैं। कोई नहीं, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक सिंगल कार्बन के पास चार होते हैं, तो दो के पास कितने हो गए? दो के पास कितने हो गए? आठ। और हाइड्रोजन के पास, एक एटम के पास एक ही होता है, तो चार के पास कितने हो गए? चार। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। अब 12 के लिए हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 1 8, हाउ मैनी आर लेफ्ट? 4। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 4। हमें इन दोनों के एडिशन से क्या मिल रहा है? 3। 3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी है? sp2 की। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन तो कैलकुलेट करनी आ गई। नाउ कम टू दिस, यहां पर दो सेंट्रल एटम है, रिमेंबर दैट। दोनों आपस में भी जुड़ेंगे। कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p2, राइट। कॉन्फ़िगरेशन कहती है कि वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s ऑर्बिटल के लिए और 2p ऑर्बिटल के लिए। 2s ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट में? दो। 2p ऑर्बिटल्स के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो बॉन्डिंग कितने के साथ करनी है इसको? एक कार्बन एटम को तीन से बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। तो देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में ये तीनों ही पी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? हाफ फिल्ड। ये बॉन्ड बना रहा है एक हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड बना रहा है दूसरे हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन एटम से। ये इलेक्ट्रॉन बच गया, अभी ये अनपेयर तो रहेगा नहीं, ये दूसरे कार्बन से पाई बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके के पाई बॉन्ड को पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। पी पाई बॉन्डिंग यानी कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कैसे दिखाई जाती है देखते हैं। जैसे ये वाला ऑर्बिटल जो है ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहा है, ऐसे देखिए। इस ऑर्बिटल ने तो हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, दिस इज फॉर द हाइड्रोजन। अच्छा, ये पी ऑर्बिटल जिसने भी ओवरलैपिंग कर ली,
और ये हाइड्रोजन जिसने भी ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है। अब ये दो पी ऑर्बिटल बच गए जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने बॉन्डिंग कर ली, ये साइड बाय साइड अपनी ओवरलैपिंग कंप्लीट करेंगे। दिस इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल। तो इस प्रकार की जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। दिस इज योर पी पाई बॉन्ड, यानी कि ये सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, और वो बॉन्डिंग करेगा किससे, कार्बन के ही दूसरे पी ऑर्बिटल से। लेकिन कैसी बॉन्डिंग, साइड बाय साइड, तो ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्डिंग में शेयरिंग होगी लेकिन वीक एक्सटेंट तक, कुछ एक्सटेंट तक होगी, तो इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। और बाकी सब, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रांग है। अब sp2 में हमने स्ट्रक्चर देखा, ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, बिकॉज कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है ना, एक पाई बॉन्ड, तो इसलिए डबल बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो हाइड्रोजन, ये सिंगल कार्बन एटम की बात हो रही है बेटा, जो सिंगल कार्बन एटम जो है दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के अलग अलग बनाता है। सो दिस वन इज योर पाई, दिस वन इज योर सिग्मा, दिस वन इज योर सिग्मा, दिस वन इज योर सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा जाता है, इसको भी आप ट्राइंगुलर प्लेनर ही कहेंगे, ट्राइंगुलर प्लेनर, ये भी आपका ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए आप इसके फॉर्मेशन को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फॉर्म में दिखाएंगे। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बेटा, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल होगा और तीन p ऑर्बिटल्स होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन के जरिए निकाल कर देखते हैं कि क्या हम सही हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हाइब्रिडाइजेशन निकाली, कार्बन के पास होते हैं 4, हाइड्रोजन भी कितने हैं 4, टोटल कितने हो गए 8। तो आपको मैंने ये पहले बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन 8 या 8 तक हैं, 8 तक या 8 से कम हैं, तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 4 8, हमारे पास कितना आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनती है, sp3। क्लियर है। अगर आपको ना समझ में आए कि भैया ये इसका एग्जांपल है या नहीं है, तो आप पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके देख लें। चलिए, हमारा कार्बन सेंट्रल एटम है 1s2, 2s2 और 2p2। हम इस कार्बन के लिए, सेंट्रल एटम के लिए, इस प्रकार से जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में इसके ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है वो ऐसी रहेगी, ठीक है। ये 2s है, ये 2p है, दो इलेक्ट्रॉन, और देखिए दो एम्प्टी, दो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल और एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अब यहां पर हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, हमारा 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो पी के एम्प्टी ऑर्बिटल को फिल कर लेता है इस तरीके से, ये देखिए। अब रही बात हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम की, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम इन सब के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड भी कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ऑल वर आर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सच इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस एंड 3p, 3p और 1s की इन्वॉल्वमेंट के कारण ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारा जो कार्बन है वो इस प्रकार से हाइड्रोजन से जुड़ता है और ये टेट्राहेड्रली फॉर्म होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा। अब इसको अगर हम सिंबॉलिकली देखें कि एक कार्बन के पास सारे के सारे पी ऑर्बिटल्स कैसे हो गए, तो देखिए ये इसके पी ऑर्बिटल्स हैं, सभी के सभी, यानी कि चारों के चारों एस के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, ये बॉन्ड बना रहे हैं, सबने बॉन्डिंग, एक्साइटेड स्टेट वालों की बात की जा रही है, सबने बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, दीज आर दी हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कार्बन के।
तो इस प्रकार से ये सारे के सारे कैसे बॉन्ड हो गए, ये सारे के सारे कैसे बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही हो। चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है अमोनियम, अमोनियम आयंस। ठीक है, हम इसके पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम में से कम हो जाएगा। इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अब कितने बचेंगे, 4। 4 प्लस में 4 इक्वल्स टू 8। अगर 8 है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आनी चाहिए, sp3। रिमेंबर दैट, इसी से पता चलता है कि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1s2, 2s2 और 2p2, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। अच्छा, इसकी ग्राउंड स्टेट लेकर चलते हैं। ग्राउंड स्टेट में s ऑर्बिटल, ग्राउंड स्टेट में p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट लेकर चलते हैं, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p ऑर्बिटल की तरफ जंप होंगे, तो s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो p में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब आपके पास बॉन्डिंग के लिए 4 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अगर चारों ही हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और इनके साथ इस प्रकार से बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर बना, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल जैसे CH4 में बना था, बॉन्ड एंगल भी क्या रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस प्रकार से हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड का ये एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। सेकेंड एग्जांपल आप वाटर है, वाटर का भी आप ऐसे ही बना सकते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और ऐसे ही आप अमोनियम, अमोनियम आयन का बना सकते हो, पिरामिडल शेप का बना सकते हो। तो एक बार इसको लिख लीजिए फिर देखते हैं।